अक्षय कुमार बॉलीवुड के सुपरस्टार है, जो खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। अक्षय कुमार से जुड़े ढेरों मजेदार किस्से आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। ऐसा ही एक किस्सा अक्षय कुमार ने द कपिल शर्मा शो में भी सुनाया था। इस दौरान उनके साथ रितेश देशमुख भी मौजूद थे। अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि स्कूल के दिनों में एक लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, और बाद में जब एक्टर ने रिजेक्ट करने की वजह बताई तो सभी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दरअसल बातचीत के दौरान जब कपिल ने अक्षय से पूछा कि लड़की ने आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके जवाब में अक्षय कहते हैं, पहली बार डेट पर जा रहा था तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं उसे तकरीबन 3-4 बार मिल चुका था। प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे पर हाथ नहीं रखा, कभी हाथ नहीं पकड़ा। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूँ या फिर उसे किस करूँ। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और मेरा ब्रेकअप हो गया। अक्षय की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बात करें अक्षय की पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से शादी की है। ट्विंकल से उन्हें आरब और नितारा नाम के 2 बच्चे हैं। अक्षय कुमार को हाल ही में फिल्म सेल्फी में देखा गया है, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय के साथ इमरान हाशमी, नुसरत भरूस और डायना पेंटी मुख्य भूमिका में हैं। आने वाले समय में अक्षय कुमार OMG 2 में दिखाई देंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।